हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये देखिए, मैं यहाँ बैठी हूँ। एक्चुअली ना मैंने शिफ्टिंग किया था तो, बट अभी तक मेरा सामान आया नहीं है, तो खाना पीना सब मेरा बाहर ही हो रहा है और बहुत ज़्यादा पैसे बर्बाद हो रहे हैं मेरे। तो यहाँ पे मैंने ये देखा, फ्रोज़न कुछ था, जैसे लिक्विड वगैरह डालते हैं ना, मुँह में से धुआं निकलता है। तो ये मैंने एक्चुअली आइसक्रीम मांगा था, तो वो आइसक्रीम ख़त्म हो चुकी थी जो मुझे चाहिए था। तो बट उन्होंने बोला आप ये ट्राई करो, ये इसको क्या बोलते पता नहीं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना इसको क्या बोलते हैं। ये लिक्विड कुछ डाल रहे हैं इसके अंदर, और आईज़ है शायद, लिक्विड आईज़ है। तो ये देखिए कितना इसमें से ये धुआं निकल रहा है। और मैंने खाया इसको, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ज़्यादा कुछ नहीं था, मार्शमेलो था और वो जो वर्फ स्टिक होता है ना वो था। तो यहाँ पे दो धुआं नहीं निकल रहा था, तो मैंने दूसरा वर्फ स्टिक खाया ना, तो उसमें से बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा था। और यहाँ पे देखिए मैं गोभी फ्राइड राइस खा रही हूँ, क्या बोलते पता नहीं, तो यहाँ पे मैं खा रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। और यहाँ पे 7 दिन बाद मेरा सामान आया था, 7 डेज़ लग गए थे। इसका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस बहुत बुरा हुआ है, इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी। तो अभी सामान सब खाली करना है मुझे, तो अभी मैंने तुरंत नहीं खाली किया क्योंकि काफ़ी लेट लेके आए थे। तो यहाँ पे थोड़ी सी मैं सब्ज़ी और राइस बना रही हूँ क्योंकि और कुछ नहीं बनाऊँगी, और बस मेरे पास और कुछ था भी नहीं बनाने के लिए। तो प्याज और आलू मंगा लिया था मैंने स्विगी करके, और साथ में ये जो फ़ैन है ना ख़राब हो गया था, ब्लास्ट हो गया था मतलब, तो ऑनर ने चेंज करके दिया क्योंकि सब चीज़ इनका ही है, फ़ैन ट्यूबलाइट लाइट सब कुछ इनका ही है, मुझे कुछ अपना नहीं लगाना है। और आप सामान देख सकते हो, तो यहाँ पे पैक एंड मोर करके, सॉरी गाइस कॉल आ गया था, तो पैक एंड मोर करके इनका कुछ ऐप था, तो मैंने ऐप से बुकिंग किया था, लेकिन ये लोग ने बहुत बुरी तरह फंसाया मुझे। तो अभी तो जब तक अनबॉक्सिंग कर रहे थे तब तक मैंने कुछ सब्ज़ियाँ लेने नहीं गई थी, तो मैं स्विगी देख रही थी, तो मुझे ना ये कटहल दिखा, ये फ्रोज़न कटहल था। और सीरियसली गाइस, फ्रोज़न बोलते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी इसकी सब्ज़ी बनी थी। मैंने रेसिपी शूट नहीं की है, लेकिन दूसरा मंगाया है पैकेट आपके साथ रेसिपी शूट करने के लिए, मतलब मैं रेसिपी आपको दूँ, इसलिए दूसरा पैकेट भी मैंने मंगाया है। ये 60 रुपीज़ का 300 ग्राम है, और कटिंग का टेंशन नहीं, कुछ नहीं, बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनी थी, टेस्टी बनी थी। यहाँ पे मैं इसको कुकर में बना रही हूँ, मुझे लगा ना कि ये बॉईल होगा, बट ये बॉईल नहीं था, ये कच्चा ही था। और इसको कुकर में नहीं बनाएंगे तो जल्दी गलेगा नहीं, इसलिए मैंने इसको कुकर में बनाया था, और बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, राइस के साथ मैंने खाया था। और अभी तो जेम तेम करके मैं सारी चीज़ें अरेंज कर रही हूँ, इसलिए ज़्यादा कुछ बना नहीं पा रही हूँ, और फूडी एसेस पे कोई वीडियो नहीं जा रही है। तो यहाँ पे देखिए, ये थोड़ी सी ग्रेवी वाली बना रही हूँ, तो इसकी रेसिपी मैं आपको नेक्स्ट टाइम दे दूँगी। और यहाँ पे कुछ बॉक्सेस मैंने खोले हैं, कपड़े लगा रही हूँ, और कपड़े लगाने के बाद से फिर मैं थोड़ा सा खाना बनाऊँगी। तो आज बनाऊँगी सोया कढ़ी, क्योंकि पूरा मैं खाली कर चुकी हूँ और अब सारा चीज़ें अरेंज हो चुका है। तो एक्चुअली आपको जो नॉइज़ आ रही है, एक्चुअली RO कनेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए उसकी नॉइज़ आ सकती है, तो उसके लिए सॉरी। और मैंने थोड़ा फ़ैन चला रखा है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, सोयाबीन को मैंने गर्म पानी नमक डाल के भिगा लिया था, इसको निचोड़ लिया था, और अभी ना तेल में इसको थोड़ा सा मैं भून के ले रही हूँ। अगर आप डायरेक्ट इसको ग्रेवी में डाल देंगे ना तो थोड़ा सौगी सौगी होता है, वो अच्छा भी नहीं लगता है, तो इसीलिए थोड़ा फ्राई करके लेंगे ना, तो डीप फ्राई नहीं करना है, शैलो फ्राई कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा, तो पता नहीं क्या गिरा रहे, क्या तोड़ रहे पता नहीं, मतलब वो ड्रिल मशीन से कुछ तो कर रहे RO लगाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, मैं इसको फ्राई करके ले रही हूँ, और एक बार ट्राई ज़रूर करना ये रेसिपी। आपको पता है कि मैं ज़्यादा तामझाम वाली रेसिपी नहीं बताती हूँ, जो भी बताती हूँ ऑनेस्ट होती है और खाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होती है, और ज़्यादा तेल मसाला नहीं होता है। हाँ, मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ करती हूँ, उसके लिए थोड़ा बहुत क्वान्टिटी में मैं डाल देती हूँ, लेकिन बिना ऑयल का सब्ज़ी अच्छा भी नहीं लगता। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस है तो आप कम ऑयल में इसे सेलो फ्राई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये फ्राई हो गया है, काफ़ी अच्छा क्रस्ट आ गया है ऊपर। अभी मैं इसको बाउल में निकाल लूँगी, और बाउल में निकालने से ना फिर इसके बाद मैं मसाला प्रिपेयर करूँगी। तो आपको ड्रिलिंग की आवाज़ आ रही होगी, तो उसके लिए सॉरी। और बहुत लोग के मन में बहुत लोग के मन में चल रहा होगा कि दीदी आखिर कहाँ शिफ्ट हुई है, क्यों अपने घर नहीं जा रही है, क्या कारण है। तो ये सारा रीज़न मैं जब पैक एंड मोर का मैं वीडियो शेयर करूँगी ना, उनके बिल के साथ उनका जो भी था, क्या एक्सपीरियंस था, वो सारी चीज़ें शेयर करूँगी, उसी समय मैं सारी बातें आपको बताऊँगी। तो यहाँ पे देखिए, ये सोयाबीन को मैं निकाल लेती हूँ। अच्छा, इसमें छोटे बड़े सोयाबीन दोनों ही मैंने लिया है, और मैंने दोनों ही मतलब फ्राई कर लिया है। तो साथ में देखिए, मैंने मस्टर्ड ऑयल फिर से डाला है, इसमें तेजपत्ता, जीरा और सूखी लाल मिर्ची और चक्री फूल, मतलब उसको स्टार एनिस भी बोलते हैं, वो डाला है, उससे टेस्ट सब्जियों का काफ़ी अच्छा आता है। तो इस समय पितृपक्ष चालू है, इसीलिए मैं कुछ भी नॉनवेज वगैरह नहीं बना रही हूँ, और
यहाँ पे मैंने प्याज डाल दिया है, प्याज को बारीक बारीक कट कर लिया है और इसको अच्छे से भूनेंगे। अच्छा, मैं जब भी प्याज भूनती हूँ ना तो मीडियम गैस पे ही भूनती हूँ, मैं ज़्यादा फास्ट गैस पे नहीं भूनती हूँ, जलाती नहीं हूँ प्याज को या मसालों को जलाती नहीं हूँ। तो यहाँ पे देखिए, जब तक ये भून रहा है ना तब तक मिक्सी जार में ना मैं टमाटर, हरी मिर्ची, अदरक और लहसुन मैं पीस लूँगी, दूसरा कोई भी मसाला नहीं डालूँगी और उसमें मैं इसमें भून लूँगी उसको भी। मैंने इसमें रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया, क्योंकि रेड चिली मैं जब भी खाती हूँ ना तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, पेट में जलन करने लगता है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि हरी मिर्ची का स्पाइस ले लूँ, मतलब तीखा कर लूँ और बाकी और कुछ नहीं, क्योंकि पाउडर का जो होता है ना मुझे पता नहीं वो सूट नहीं होता, तो इसलिए मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये मसाले डाल दिए हैं, इसमें मैंने सिर्फ टमाटर, लहसुन, अदरक और मिर्ची, हरी मिर्ची पीसा है और कुछ नहीं पीसा। इसको अच्छे से भून लेंगे और तेल छूटने तक भूनना है, अगर आप ऐसे ही रखेंगे ना तो कच्चा कच्चा स्वाद करेगा, तो इसको ना पूरा अच्छे से सूखना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। तो इसको अच्छे से भून रहा है तब तक मैं इसमें नमक और हल्दी भी डाल दूँगी और साथ में धनिया जीरा पाउडर और एवरेस्ट का जो मीट मसाला होता है ना वो डाला है, दूसरा कुछ भी मैंने इसके अंदर एडिशन नहीं किया है। एक बार ट्राई ज़रूर करना इस सब्ज़ी को, आप लोग भी बनाते होंगे, बहुत अच्छा अच्छा बहुत लोग क्या करते हैं ना तेल में डीप फ्राई कर लेते हैं और वो बहुत ज़्यादा हार्ड कर देते हैं। देखिए ड्रिलिंग मशीन चालू हो गया, तो सॉरी क्या करो, अभी घर में थोड़ा सा सब फिटिंग कराना ज़रूरी है, नहीं तो पैसे की बर्बादी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, ये मसाले अच्छे से भून चुके हैं, तो अब इस मसालों में ना जो मैंने सोयाबीन फ्राई किया था ना वो डाल दूँगी। एंड सॉरी गाइस, मुझे म्यूट करके मतलब वीडियो का वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी काम चालू है और ब्लॉग डालना ज़रूरी था, क्योंकि 10-12 दिन से मेरे चैनल कोई भी चैनल पे वीडियोस नहीं गए थे इसीलिए। तो अभी वो उनका काम कर रहे हैं, अगर थोड़ी नॉइज़ भी आती है तो प्लीज़ आप लोग उसको इग्नोर करना। तो यहाँ पे देखिए, एवरेस्ट का मसाला डाल दिया है, जो मीट मसाला होता है वही डाला है, एक पाउच डाला है मैंने, क्योंकि उसमें ज़्यादा नहीं होता, कुछ 50 ग्राम से भी कम होता है। और साथ में मैं धनिया जीरा पाउडर जो घर का पीसा हुआ है मैंने साथ में ही पीस लिया है, तो वो डाल दूँगी थोड़ा सा। आप देख रहे हो मैं मसाले कितने कम कम डाल रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा मसाला भी, क्योंकि गर्मी भी बहुत है, बारिश हो रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है ना कि और भी तप रहा है जितना बारिश हो रहा है उतना, तो इसीलिए तो मैंने ना थोड़ा सा मसाले कम ही यूज़ कर रही हूँ। साथ में देखिए, इसको अच्छे से भून लूँगी और भूनने के बाद से सोयाबीन डाल दूँगी। अच्छा, सोयाबीन डालने के बाद आपको ज़रूरी है तो पानी डालिए, नहीं तो अगर चपाती से खाना है तो सूखा भी रख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, मैंने अच्छे से भून लिया है और भुनने के बाद से सोयाबीन जो फ्राई किया था वो डाल दूंगी। और ये देखिए, सोयाबीन डालने के बाद से मैंने इसको अच्छे से भून लिया है, तो मैं अभी राइस के साथ खाने वाली हूँ, तो जो छोटा वाला जार होता है ना चटनी जार, उसको अच्छे से धो के, क्योंकि मैंने मसाले उसमें ही पीसे थे, तो उसको धो के उतना पानी डाल दूँगी और आधा कप और डालूँगी, क्योंकि मुझे थोड़ी ग्रेवी चाहिए, क्योंकि ना सोयाबीन एब्जॉर्ब कर लेता है ना तो करी कम हो जाती है। अगर आपको सूखा खाना है तो आप चपाती के साथ या टिफ़िन वगैरह में लेके जाना है तो आप वैसा सिंपल रख सकते हो, वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, चपाती और नींबू वगैरह डाल के खाएंगे तो बहुत ज़्यादा यम्मी लगता है। मैं यहाँ पे देखिए पानी डाल दिया है और इसको ढक के 10 मिनट और पकाऊंगी, ज़्यादा नहीं पकाऊंगी, तो इसको अभी मैं ढक दूंगी, जितना पानी चाहिए था उतना मैंने डाल दिया है। अच्छा, तेल जब तक ऊपर नहीं आता तब तक इसको बंद नहीं करना है, इधर मैंने स्लो गैस पे ढक दिया था
और यहाँ पे देखिए पूरा ऑयल ऊपर आ गया है। अच्छा, बहुत लोगों का कमेंट है दी आपकी कढ़ाई कितनी गंदी है, बट आपको पता है ये 180 रुपीज़ की मैंने गांव से लाई थी जब मैं शादी में गई थी भाई के, नहीं भाई के नहीं, शोभा की शादी में गई थी सिस्टर की, तो तभी मैंने 180 रुपीज़ में लिया था। और ये आयरन की कढ़ाई है, लोखन की कढ़ाई है, तो ये ऐसी ही रहती है। इससे ज़्यादा आप कितना भी क्लीन करेंगे, पीताम्बरी वगैरह लगा के ना, फिर से वो ऐसा ही हो जाता है। तो इसीलिए आप लोग ये मत समझना कि बहुत गंदी कढ़ाई है दीदी, बहुत गंदी कढ़ाई में, तो नहीं, मेरे पास नॉनस्टिक भी है, लेकिन जब फ्राई वगैरह कुछ करना होता है ना तो इसमें बहुत अच्छा होता है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो साथ में देखिए धनिया पत्ता डाल दिया है और अब इसको मैं बंद कर दूँगी और पास से मैं आपको दिखाती हूँ। और खाया था तो बहुत ज़्यादा यम्मी लग रहा था, क्योंकि अभी इतने दिन से मैं बाहर से मंगा मंगा के खा रही थी ना, सामान नहीं आया था इसलिए, और मेरी शिफ्टिंग थी 15 तारीख को, तो 15 तारीख को ही सारा सामान मेरा आया है। तो इस 15 तारीख को मतलब सामान मैंने बहुत पहले भेज दिया था, मुझे लगता है 8 तारीख को मैंने सामान भेज दिया था। और यहाँ पे देखिए सारा सामान धो के रखा है, और स्विगी से कुछ सब्ज़ियाँ मंगाई हैं क्योंकि अभी मैं नीचे नहीं जा सकती क्योंकि अभी सारा सेटअप करना है, और एक दीदी को भी बुलाया है मतलब काम करने के लिए, क्योंकि अकेले तो नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो दीदी को थोड़ा बोला कि मेरा ज़रा थोड़ा सा ये शूट कर दो, तो वही कर रहे हैं। और आप देख सकते हो नॉइज़ कितनी ज़्यादा आ रही है ड्रिलिंग मशीन की, क्योंकि आरओ फिटिंग कर रहे हैं। देखिए आपको रेसिपी देने के लिए वापस से मैंने जैक फ्रूट मंगाया है, और जितनी सब्ज़ियाँ एक आदमी के लिए चाहिए उतनी ही सब्ज़ियाँ मैंने मंगाई हैं, और ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है। 20 रुपये का मुझे ये पम्पकिन मिल गया, और ये पम्पकिन बहुत ज़्यादा हार्ड था, बहुत ही अच्छा था, मुझे पम्पकिन वहाँ पर नहीं मिल पा रहा था, तो यहाँ पर देखिए मिल गया। इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी, और फ्रीज़र में मैंने बहुत सारी कटी कटी सब्ज़ियाँ मंगा के रखी है ताकि मैं फूडी एसएस पे रेसिपी फटाफट शूट करके, मेरा कितना टाइम बच गया, जैसे कटिंग चॉपिंग सब्ज़ी लेके आना, ये सारा टाइम मेरा बच गया। तो ये सारी चीज़ें हो गई, अभी सारा जो एक्स्ट्रा बर्तन था वो सब धो लेती हूँ, जो खाना पीना बनाया था वो सारा धो के, और एक साइड अभी राइस लगा दिया है खाने के लिए। तो बॉक्स वगैरह खाली हो गया, खाली वो जो ऊपर ऊपर सब रखना है ना, तो थोड़ा एक हेल्प के लिए मैंने बुला लिया है। और यहाँ पे देखिए सब्ज़ी दिखा रही हूँ, क्योंकि आयरन की कढ़ाई थी इसीलिए मैंने खाली कर दिया है इसको। और यहाँ पे देखिए मैं खाने बैठी हूँ, और बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, मैं इसमें नींबू डाल के एक हाथ से और खा रही हूँ। हेलो गाइस, सुबह से 2 दिन से अभी मिल रही हूँ कैमरे के सामने, और बहुत ज़्यादा मतलब थकान हो गई है मुझे। और ये देखिए क्या हो गया, यहाँ पर जो फीवर आता है ना ऐसा निकल गया है। तो अभी सोचा ब्लॉग का एंड करती हूँ, और ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना, और मैं कहाँ शिफ्ट हुई हूँ ये भी आपको मैं बताऊँगी, और पूरा होम टूर भी दूँगी जो भी रेंटेड हाउस है। तो जाहिर सी बात है 1 BHK मैंने लिया है, क्योंकि मेरे लिए इतना इनफ है, अकेले रहती हूँ तो मुझे और कोई ज़रूरत है नहीं। और अभी चल रहा है आरओ की फ़िटिंग, वो लोग कंपनी वाले आए हैं, मैंने अर्बन क्लैब से बुलाया है आरओ फिटिंग करने के लिए, क्योंकि यहाँ पानी का मतलब पीने वाला पानी का प्रॉब्लम हो रहा है। तो अभी तक तो मैं स्विगी कर करके पानी पी रही थी 3-4 दिन से, और सामान भी बहुत लेट आया, मतलब 7 दिन बाद सामान आया है। तो 2 दिन से मैं खाना बना रही हूँ घर में, और बाकी सारे बॉक्सेस मैंने निकाल दिए हैं, सब बर्तन वगैरह लगा दिया, अभी टेम्पररी जैसे था सारा क्लीन करके लगा दिया है मैंने, और बाकी का जैसे जैसे अरेंज करूँगी वैसे वैसे दिखाऊँगी। तो खाना पीना खा लिया, तब तक उनका कॉल आया कि वो लोग मतलब आ रहे करके फिटिंग करने के लिए, तो वो लगा देंगे। और जो वॉशिंग मशीन मैंने साइड में रखा है, तो उसके लिए एक खाली पाइप में कुछ हुक लगाना पड़ेगा कि मैं डेली मूव करके बाथरूम में पाइप डाल के धो सकती हूँ, क्योंकि स्पेशली कोई उसमें ये नहीं दिया है कि मतलब अलग से पाइप कनेक्शन नहीं दिया है कि पानी जाएगा और ये करेगा, लेकिन मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नीचे ट्रॉली रख दूँगी ना, तो वो खींच के ले सकते हैं और वापस से साइड में मैं रख सकती हूँ डोर के पास, बहुत अच्छा है। वॉर्डरोब आप देख सकते हो, कपाट मेरा वाला उधर लगाया है, वो साइड में बाद में सब दिखाऊंगी। और यहाँ पे विंडो है, और ये कर्टन वहीं का है जो डीमार्ट से मैंने लिया था। अच्छा, ये लोग ने सब दिया है, फ़ैन और ये जो पाइप था वहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं मिला। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा इजी हो गया है कि मुझे वेजिटेबल लेने या कुछ भी लेने मुझे कुछ जाना नहीं पड़ता, सारा मैं ऑर्डर कर लेती हूँ, जितना मैं जाके लेके आऊँगी उतने में मुझे इधर मिल जाता है, कटिंग सब्ज़ियाँ मिल जाती हैं, फ्रोज़न वगैरह मैंने आपको दिखाया, जैक फ्रूट पम्पकिन ये सब मैंने मंगा लिया है, क्योंकि मुकबंग के लिए वीडियो बनानी होती है ना, तो अब शुरुआत करूँगी मुकबंग की। आज वैसे भी एक क्रंच वीडियो मैंने अपलोड किया है, यहीं पे मैंने शूट किया, यहीं पे मैं कमांड हुक लगा के इसमें अपना जो ब्लैक वाला जो पैन ये पर्दा होता है वो लगाऊंगी। तो थोड़ा थोड़ा सेटिंग कर रही हूँ, और ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना, और बाकी चीज़ें बहुत अच्छी है, कोई भी दिक्कत नहीं है। वहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था, दांत में ऐसा लग रहा है कुछ तो फंसा है। तो चलिए ये ब्लॉग का एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।